नमस्कार, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध की बूंदी। आप इसे किसी भी पूजा में या प्रसाद के रूप में कभी भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। दूध बूंदी बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। बेसन, दूध, शक्कर। अब आप एक बड़ा बाउल लें, उसमें एक कप बेसन डाल लें। कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर लें, उसी से सारा मेजर करें। एक कप ही दूध डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। दूध और बेसन जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, और एक मीडियम बैटर बनाकर रेडी करें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बैटर को आप ना तो ज्यादा गाढ़ा करें ना ही ज्यादा पतला रखें। अब आप इसमें दो छोटे चम्मच ऑयल डाल दें, इससे बूंदी बहुत ही क्रिस्पी और बनती है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। बैटर को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप जारा ले लें बूंदी बनाने के लिए। मीडियम होल वाला जारा होता है ना, वो वाला लें। मैंने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया। घी मीडियम गर्म रखें। अब जारे को आप घी के ऊपर पकड़ें, कोई भी एक कटोरी या चम्मच लें, उससे इस पे ऊपर डालें बैटर को। आपको कुछ भी नहीं करना, ये आराम से निकल जाती है बूंदी। आप जारे को बिल्कुल भी ना हिलाएं, नहीं तो बूंदी का शेप बिगड़ जाएगा, लंबी हो जाएगी। इन्हें आप पलट पलट करें और हल्का कलर आए जब तक फ्राई कर लें। बूंदी हल्के ब्राउन कलर की हो चुकी है, इससे ज्यादा डार्क ना करें, इसे आप निकाल लें। देखिए सारी बूंदी एकदम गोल बनकर रेडी हुई है। मैंने सारी बूंदी को इसमें ले लिया है। अब आप एक पतीले पे स्टेनर रख लें, उसमें ये बूंदी डाल दें। फिर से आप जारा लें, जारे को साफ कर लें। फिर से इसमें बैटर डालें। बहुत ही आसान है बूंदी बनाना। आप कभी भी घर पे आसानी से रेडी कर सकते हैं। इन्हें अलट पलट करें और हल्का गोल्डन कलर आए जब तक फ्राई करें। दूसरी बैच की बूंदी भी अच्छी फ्राई हो चुकी है, अच्छा कलर आ चुका है। आप इन्हें भी निकाल लें। इसे भी आप स्ट्रेनर में निकाल लें। फिर से आप जारा लें, जारे को आप साफ करके ही लें। इसमें बैटर डालें। बहुत ही क्रिस्पी बूंदी बनती है। आप एक बार जरूर बनाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और इन्हें अलट पलट करें और हल्का गोल्डन कलर आए तब तक फ्राई करें। इसी प्रकार आप सारी बूंदी को रेडी कर लें।
मैंने सारी बूंदी को फ्राई कर लिया। देखिए आप एकदम गोल बूंदी बनी है और बहुत ही क्रिस्पी है। देखिए एकदम क्रिस्पी और एकदम गोल बूंदी बनकर रेडी हुई है। अब आप एक कढ़ाई को गैस पे रखें, उसमें 2 कप शक्कर डाल दें। जितनी आप शक्कर ले रहे हैं उसका आधा पानी डालें। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए एक उबाल आने दें। चाशनी में उबाल आ चुका है, अब आप इसमें 4 से 5 कुटी हुई इलायची डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। चाशनी में कोई भी तार नहीं बनाना, बस अच्छी चिपचिपी होनी चाहिए। इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल करें। चाशनी को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अगर आप अंगुली और अंगूठे के बीच में लेके देखोगे ना तो ये चिपचिपा लगना चाहिए, अच्छा चिपचिपा हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी तार ना बनाए। गैस को बंद कर दें। अब आप फ्राई की हुई बूंदी को इसमें डाल दें और चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करें। सारी बूंदी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब आप इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। बूंदी को चाशनी में रहते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए बूंदी ने सारी चाशनी अब्सॉर्ब कर ली है, बूंदी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप एक बड़े बाउल पे स्ट्रेनर लगा लें और ये बूंदी उसमें डाल दें। सारी बूंदी को आप इसमें ले लें। मैंने सारी बूंदी को स्ट्रेनर में ले लिया, 1 मिनट के लिए आप इसी में रहने दें इसे। बूंदी को स्ट्रेनर में 1 मिनट हो चुका है, सारी एक्स्ट्रा चाशनी निकल चुकी है। अब आप एक दूसरा बाउल लें, उसमें ये बूंदी डाल दें। अब आप इसमें बादाम की कतरन डालें, पिस्ता की कतरन, मगज के बीज जिसे खरबूजे के बीज भी बोलते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और सारी बूंदी में इसे मिला दें। मैंने सारी बूंदी में सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर ली है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बूंदी बनती है। आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।